आज रणदीप जी ने बड़े विस्तार से सारे प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर सारी बातें बताई हैं। आज ये प्रॉपर्टी आईडी जो है सबके गले की जंजाल बन चुकी है। सारा का सारे शहर ग्रस्त हैं, से सारे दुखी हैं लोग, और उस भ्रष्टाचार का आलम जबरदस्त है। आज अभी जैसे इन्होंने बताया, भय 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 और भय, यही हाल हो रहा है। जो काम होने चाहिए, जो सरकार का काम है विकास का, वो तो हो नहीं रहा है, लेकिन किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए वो सरकार जरूर जो है नई नई नीतियां लेके आ रही है, नए नए उपयोग करे जा रहे हैं, जिससे ये प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, चाहे ये और भी जो अन्य जो ये नई पॉलिसीज बना के लाते हैं, सारे के सारे आम जनता को दुखी करने के लिए और आम जनता को तकलीफ देने के लिए बनाए गए। हर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक कैंडिडेट टिकड़ी का है और एक कैंडिडेट हुड्डा जी का, किसको असली कांग्रेस का मानना? ऐसा है, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा कांग्रेस उसे टिकट देगी, जो लोगों की बात उठाएगा, जो चिलचिलाती धूप में धक्के खाएगा, जो लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाएगा, जो एससी बीसी किसान महिला युवा की बात करेगा कांग्रेस उसे टिकट देगी। ना मेरे कहने से देगी ना किसी और के, टिकट मिलेगी उसको जो सच्चा कांग्रेसी है, और सच्चे कांग्रेसी इसी प्रकार से पसीना नहीं।